अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मेरी यहाँ नाइट शिफ्ट का वीक है, तो मैं आई हुई हूँ ऑफिस में। ये भी रेनोवेशन हो रही है सारी, ये देखिए छत भी, और बाहर वो है, ये है मेन गेट, यानी ये नहीं, ये एक अलग से बना हुआ एक बाहर है वो। मैं बाहर आपसे विजिट करवाती हूँ आपको, लेकिन अभी मैंने लेट की है ब्रेक, सबको ब्रेक हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा इम्प्रेशन जमा ले। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पोर्टल हम दो लोग आए हैं डे से नाइट में, तो पहले तो चार थे, तो लेकिन पोर्टल हम दो ही, एक ही बंदा चला सकता है, तो वो इस तरह हमने कंबाइन किया हुआ वर्क के एक टाइम पे जब मैं बैठी होती हूँ तो वो ब्रेक कर लेता है, और जब मैं काम कर रही होती हूँ जब वो बैठता है तो फिर मैं ब्रेक कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कहा पहले ब्रेक कर लें, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी थी, तो मैंने बाहर से कुरकुरे और चीज़ वगैरह मंगा के खा ली थी। लेकिन अब जो है ना, मैं ब्रेक कर रही हूँ और मैं नीचे से चाय भी ले आई हूँ, तो चाय पीते हैं और आपसे बातें करते हैं। वो है ना, मैं, तुम और एक कप चाय। आप सब और मैं के लिए और एक कप चाय। तो कौन पी सकता है एक कप चाय? फिर मुझे खुद एक कप चाय कम पड़ जाती है सर्दियों में। चाय अच्छा शाम वाली अच्छी होती है ज़्यादा, यानी कि सेकंड टाइम वाली। फर्स्ट टाइम जब मैं हम आते हैं ना, तो उस टाइम जो होती है ना चाय, तो उसमें पत्ती थोड़ी हल्की होती है। मैं आपको ऑफिस भी दिखाती हूँ नीचे वाला, और साथ साथ ना चाय भी पीती हूँ। यहाँ मैं बैठी हुई थी, और ये है नीचे, यहाँ हमारी टीम ने आना है, मतलब के डायरेक्टर मैनेजर की टीम ने। और ये इधर से ऊपर जाओ तो हमारा फ्लोर एक साथ वाले हैं, ऐसे जैसे यहाँ दो बने हुए ना, तो वहाँ भी ऊपर भी दो ही इस तरह से बने हुए हैं। ये दो सेक्शन बने हुए हैं, ऊपर भी ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन वो इस साइड पे है। ये मेन डोर है और बाहर थोड़ी पार्किंग है, और बाहर भी पार्किंग है मेन पे, और उसके बैक साइड पे भी पार्किंग है। और ये दरवाज़ा भी टूट गया, देख रहे हैं आप, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। और नीचे है कैफेटेरिया और किचन, यहाँ से मैं चाय लेके आई थी। और ये देखिए सारी वर्किंग हो रही है इनकी, तो मुश्किल ही लग रही है इस अगले महीने भी शिफ्टिंग होना, जिस तरह से काम फैला हुआ है। सामने मेजान बैंक है। अच्छा, तो वैसे डे और नाइट में कोई फर्क तो नहीं लग रहा है ज़्यादा, ऑफिस के अंदर तो पता नहीं लगता, बस यही है कि ना घर वालों को इशू होता है नाइट में भेजने से, और जाहिर सी बात है बाहर अंधेरा है और फिर लोग भी कम ही होते हैं। वैसे ना नाइट में करने का बेनिफिट क्या है, सैलरी ज़्यादा है दूसरा। अच्छा, मैं ना अपने तरफ बात कर रही, ये सामने में मैं नज़र के आ रही हूँ। पहला कि सैलरी ज़्यादा है, फर्स्ट इनके फर्स्ट बेनिफिट तो यही है। फिर दूसरा है कि सब हमें रास्ते में जो है ना ट्रैफिक को फेस नहीं करना पड़ता। अगर सर्दी है तो सर्दी को तो फेस करना पड़ेगा, वो तो दिन में भी हम ऐसे ही आते हैं, फोग में ही आते हैं। और सुबह सुबह जब निकलते हैं, हालांकि सुबह सुबह ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ से वापसी पे और सुबह आने में, नाइट में वापसी पे सुबह हुई हुई होती है, और जब हम सुबह आ रहे मॉर्निंग में तो सुबह होती ही है ठंड, और सुबह तो उठना भी बहुत मुश्किल होता है। ये होगा कि ना हम सर्दी में जल्दी उठ जाएं और शाम को आना हो हमने, तो हमारा माइंड सेट होता है। खैर, सर्दी तो दोनों जगह ही है, लेकिन गर्मी में ना, गर्मी में एक तो सन सन टैन से बच सकते हैं, और दूसरी बात गर्मी शाम में कम होती है, और गर्मी शाम में कम होती है, और क्या होता है दिमाग ना मेरा बंद हुआ है, पता नहीं, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो बोर हो रही हूँ मैं वैसे ना, तो मैंने सोचा कि आप लोग से बातें कर लें, जवाब नहीं ना मिल रहा मुझे इंस्टेंट, तो मैं ना, और मैं कह रही हूँ अकेली भी आप बातें करी जा रही हूँ मैं। चाय का मज़ा ले लूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, तो चाय ठंडी हो गई है, चाय तो ठंडा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सैलरी ज़्यादा है और ट्रैफिक कम होती है, और गर्मी से बचा जा सकता है, और फिर
पीस ऑफ माइंड है, बट नाइट की नींद, रात की नींद ना लें तो वो ना नींद भी पूरी नहीं होती। चाय मेरी हो गई है ख़त्म, तो हम बात करते हैं अब, और मैं साथ साथ अंदर तक आपको ऑफिस भी दिखाती हूँ। वैसे यहाँ का भी ना वॉशरूम वगैरह है अच्छा, यहाँ से ना बैक व्यू नज़र ही नहीं आता है। अब आ रहा होगा आपको नज़र, तो वैसे ना इन्होंने वॉशरूम बहुत ख़राब बनाया है, ये ऐसे वॉशरूम बनाए हुए यहाँ, ये किचन है, और भी दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा किचन है और आगे वॉशरूम है तीन, तो उसमें से एक जो है वो गर्ल्स को दिया हुआ है और एक जो है ना वो दो जो है वो बॉयज़ के हैं। तो इन्हें ऐसा करना चाहिए था कि जो इतना बड़ा किचन इन्होंने बना दिया ना, जहाँ कुछ करना भी नहीं है, किचन में कौन सा हमने खाना बनाना है, तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ना इन्हें करना चाहिए था के बॉयज़ और गर्ल्स का वॉशरूम फ्लोर के इधर और इधर, या तो ऐसे कर लेते, क्योंकि देखे ना एक फ्लोर जो है वो बड़ा दिया हुआ है और एक जो है वो छोटा दिया हुआ है, तो या तो इस ऐसे ही कर लेते कि इधर बॉयज़ और इधर गर्ल्स का ऐसे कर लेते। तो भी था कि देखे वो ब्लैक, वो ब्लू वाली जो वॉल है ना वो आगे करके बनी हुई है और वो जो है उसके पीछे वॉशरूम है और ये वाली जो पूरी है। तो बाकी अभी ये देखे, ये पता नहीं क्या बनेगा, छोटा सा स्टोर है शायद या किचन है, पता नहीं क्या है ये। और नीचे वाले मैनेजर का तो रूम मुझे ये बड़ा लगता है, बाहरी सब पे नज़र। और बस ब्रेक मेरी ख़त्म हो जाए तो फिर मैं चले जाऊंगी। और बाकी ये भी एक रूम है, पता नहीं अभी ये कॉन्फ्रेंस रूम हो सकता है यहाँ को, ये इतना छोटा तो नहीं होगा वैसे कॉन्फ्रेंस रूम, ये भी फ्लोर वैसे ही बना हुआ है। अच्छा ए फ्लोर के एक ही साइड पे इन्होंने ना ऐसे किया हुआ है कि बाकी जो जगह है ना वो ख़त्म की हुई है। थक गई मैं, अच्छा मैं थकी नहीं हूँ, लेकिन ना पता नहीं क्यों आवाज़ आ रही सी हो रही है, होता है ना कभी कभी। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर, क्योंकि मैं आई थी शायद 12 बजे, मैंने 12 बजे के बाद ही आई हूँ वैसे मैं, तो ये भी यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से तो रहा है, यहाँ से पार्किंग का है, और 12 बजे के बाद ही आई हूँ, लेकिन ना मैंने सोच रही हूँ कि चले जाऊँ, उन्होंने कहना पता भी है नाइट में काम करने आए हुए हैं, तो ये वो ये कैबन दिए हुए इन्होंने, लेकिन हमें इसकी की नहीं मिलेगी, हम यहाँ कुछ रख नहीं सकते, बस अपने टाइम पे ही रख सकते हैं तो, और उसी वक्त निकाल सकते हैं, की नहीं है ये मैंने हमारे मैनेजर का रूम है, इसी के साथ एक और मैनेजर का रूम है उधर, ये हमारा फ्लोर है, और बाकी जो है ना